वो घायल शेरनी की भांति द्रौपदी क्या कहने लगी, सुने रागने में क्या बताया। वो रनी विनाश की जमात ओ तेरे राज कवारों ने और खत्म होने से बचा लिए माँ इन दोनों परिवारों ने हो इन दोनों परिवारों ने छोड़ा ले चीर हरण हो प्यारी का परी सभा में तू शासन दे चीर तार दे यारी का हो चीर तार तो प्यारी का और होए मरने कर दिए मरण जो होए मरण करे से पहले इस कुल का कोई मान घटाता ना देखा वैश्या और बदकार बता कोई सेल चुभाता ना देखा अपनी बहु बेटियों को दर पार में लाता ना देखा चीर खींच के नारी का यहाँ नगर नचाता ना देखा हो नगर नचाता ना देखा दुखती रग पे चोट मार दी दुखती रग पे चोट मार दी
द्रौपदी कहने लगी हे माँ गंधारी, इस कुल का नाश हो जाएगा। अच्छा, किस तरह रो करके क्या कहने लगी? ये रकड़ भी वाणी बोल तो शासन हो, शासन कड़वी वाणी बोल दुशासन कहाव जिगर के छोले रहा। इस कुल की महारानी को वो दासी कह के बोले रहा। पांच पति की प्यारी है जिसे अग्री मंदी बोले रहा। खींच खींच के आंख बीच मेरा जूड़ा सरका खोल रहा, जूड़ा सरका खोल रहा। इस जूड़े की खातर कर ली, तलवारों ने खत्म होने से बचा लिए माँ। इन दोनों परिवारों ने हो, इन दोनों परिवारों ने वो छोड़े। उसी प्रकार यहाँ योद्धाओं के म्यान से तलवार निकलेगी और हस्तिनापुर में कोई इंसान नहीं मिलेगा, एक दूसरे के प्राणों को हरण किया जाएगा। क्या चौथी बात में लिखा कवि ने? और जिस तरिया मेरा चीर खिंचे रहे हैं, जिस तरिया मेरा चीर खिंचे ऐसे तलवार खिंचे रण में, गिरे लहास पे लहास देख के हाहाकार मचे रण में, रणचंडी का कहरे देख के सबकी आंख मिचे रण में, मांस मसानी खावेंगी उजड़ घर बार बचे रण में, उजड़ घर बार बचे रण में। श्री ब्रह्म पालना घर समझनिया, ब्रह्म पालना घर समझनिया, सारों ने खत्म होने से बचा लिए माँ।